नमस्कार, मैं हूं आस्था मिश्रा और आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। काफी समय से इस बारे में बातचीत चल रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट मिनिस्टर्स में फेरबदल होगी, बदलाव होंगे। काफी मंत्रियों को वो अपने पद से हटा करके नए मंत्रियों को नए पद पर डालेंगे, मगर अब ऐसा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अनाउंसमेंट कर दी है कि उन्होंने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स में से कुछ मिनिस्टर्स को हटा दिया है। आगे की खबर बताने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं वो नाम एक बार पढ़ दूं, वे सभी नाम जिनको अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स से हटाया गया है और उनके जगह पर जिन नए लोगों को रखा गया है, मैं उनका नाम भी आपके सामने पढ़ूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 12 मिनिस्टर्स को, 12 बड़े चेहरे को उनके पद से हटाया गया है। अब जरा आप नाम सुनिए। टीबी सत्यानंद गोड़ा, रविशंकर प्रसाद, गहलोत जी, रमेश पोखरियाल, डॉक्टर हर्षवर्धन, श्री प्रकाश जावड़ेकर, संतोष कुमार गंगवार, बाबुल सुप्रियो, संजय शर्मा, रतन लाल कटारिया, प्रताप चंद्र, दिव्यश्री चौधरी, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनको अपने पद से हटा दिया गया है। अब इन्हें इनके पद से क्यों हटाया गया है, इसका जवाब भी हमें जल्द ही मिलेगा। मगर अब मैं आपको यह बता दूं कि कुल 43 नए मंत्री शपथ लेंगे आज। उनके भी नाम मैं आपको बता देती हूं। सभी के नाम तो नहीं बता पाऊंगी, मगर कुछ बड़े चेहरों के नाम मैं बता देती हूं और उसके बाद जितनी भी लिस्ट है वो मैं कोशिश करूंगी कि दलित टाइम्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर उन सभी चेहरों के नाम, उन सभी 43 मंत्रियों के नाम डाल दें ताकि आप उससे भी रूबरू हो सकें। मगर अभी मैं कुछ ऐसे नाम पढ़ती हूं जिनको ये मंत्रिमंडल अब मिलेगा। सर्वानंद सोनवाल, नारायण नरे, वीरेन कुमार खटीक, ज्योतिराज सिंधे, आरसीपी सिंह, श्री अश्विनी वैष्णव, पशुपति पारस, भूपेंद्र यादव, अनुप्रिया पटेल, सत्यपाल सिंह, भगीर, राजीव चंद्रशेखर, भानु प्रताप सिंह, कुशल किशोर और ऐसे कई अन्य नाम हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है, कैबिनेट मिनिस्ट्री में जगह मिली है एवं अन्य मिनिस्ट्रियां भी मिली हैं। अब सोचने की बात यह है कि ऐसा क्यों किया गया, अचानक यह फेरबदल और ये बदलाव क्यों। मगर मैं आपको इन किए गए बदलावों के बारे में एक चीज और भी बता दूं कि अब रिप्रेजेंटेशन मिनिस्ट्रीज में बिल्कुल बकायदा सही तरीके से की गई है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं आपके सामने तो 27 ओबीसी मिनिस्ट्री हैं, 12 मिनिस्ट्री दलित कम्युनिटी से हैं और 18 ट्राइबल कम्युनिटी से भी हैं। तो रिप्रेजेंटेशन की जहां तक बात है, बिल्कुल सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया गया है। और इस बदलाव पर विचार किया जाए कि आखिर यह बदलाव हुआ क्यों और अचानक ऐसा क्या हो गया। आपकी क्या राय है इस बारे में कि यह बदलाव क्यों हुआ है और अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कैबिनेट मिनिस्ट्री क्यों बदल दी है, बड़े बड़े चेहरों को उनके पद से क्यों हटा दिया गया है। सभी चेहरे काफी जाने माने और नामी चेहरे हैं, पर उन चेहरों को क्यों हटाया गया। आप क्या सोचते हैं इस बदलाव के बारे में, यह मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। आगे की खबरों के साथ जुड़े रहिए दलित टाइम्स के साथ और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल।